लेकिन लालसा कितनी होती है, लालच कितना होता है सत्ता का कांग्रेस में, उसके मैं आपको दो उदाहरण देना चाहती हूं। मैं उस संसदीय क्षेत्र से हूं जहां 50 साल गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा। आप तो अरुण जी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक सशक्त टीम आज आपको चुनाव लड़वा रही है मेरठ से। हम वहां चुनाव लड़े जहां पर 60% बूथ पर भाजपा का टेबल भी नहीं लगता था। डर के मारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते थे, कुछ कहते नहीं थे, ध्वज अपना उठाकर निडर होकर फिर भी विषम परिस्थितियों में चलते थे। बहनों और कुछ थोड़े से भाई हैं बस यहाँ पर, तो इसलिए बहनों और थोड़े से भाइयों, तो एक काम करते हैं, देवी और सज्जनों बोल देते हैं, चलिए ठीक है। बच्चे से लेकर बच्चा जब बड़ा होता है, पहली बात तो जन्म होता है भैया तो माँ देती है, बच्चे को कुछ चाहिए होता है बड़ा होने के लिए तो माँ देती है, कुछ उसे सिखाती है तो माँ सिखाती है, यानी हर काम जो है ना वो दुनिया में, इस समाज में, दुनिया में महिला को भी, और ये पूरा महिला सम्मेलन है तो जहां एक नहीं सैकड़ों की तादाद में आप लोग, जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम भगवान से नहीं मांगते, हम दुर्गा माँ से मांगते हैं, वो भी देवी होती है, तो देने वाली भी देवी होती है, जन्म लेने वाली भी देवी होती है, संसार को बनाने वाली भी देवी होती है। दुर्गा माँ ने कहा था, कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने ही बनाया है, बताइए इससे ऊपर और क्या होगा। तो आज आप सबको संबोधित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो गर्व हासिल हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देने वाला हूँ क्योंकि पॉलिटिकल उसमें मैं बिल्कुल नोवेस हूँ, नया हूँ, अभी कर लो दोस्त। मुझे आती भी नहीं है पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं आती। मैं आपसे सीधी सीधी एक बात करूंगा कि आप जानते हैं चुनाव है यहाँ पर, और चुनाव में हम सबका यहाँ आकर महिला और पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को वोट दें जो हमारे लिए अच्छा है। ये डिसीजन हमें खुद करना होता है और खुद को ही करना भी चाहिए। चारों तरफ देखकर एक एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे शहर ने क्या प्रगति की है, हमारे देश ने क्या प्रगति की है, हमारे प्रदेश ने क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस सबको देखकर एक फैसला लेना होता है, क्योंकि जब देश की प्रगति होती है तो प्रदेश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है तो लोकसभा सीट की प्रगति होती है, और तब हमारे शहर की भी प्रगति तभी। तो जो मेरा अपना विचार है वो मैं आपको बता देता हूं, मेरे लिए जो दल है वो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी है, और जो प्रत्याशी है यहां से वो मैं स्वयं हूं। तो जो मेरा अपना मानना है, फैसला आपके ऊपर है, आप देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए किया है, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी उन्होंने कितने काम कर दिए। आदरणीय योगी जी ने जो इस प्रदेश के लिए किया है, हमारे वर्तमान सांसद राजेंद्र जी ने जो इस शहर के लिए किया है, हमारे विधायकों ने जो इस शहर के लिए किया है, जो अपनी विधानसभाओं के लिए किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए हम सब का फर्ज बन जाता है कि हम सब उनके हाथ मजबूत करें। उन्होंने 400 का आंकड़ा दिया है मोदी जी ने, मुझे लगता है वो आंकड़ा ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसका कोई तो कारण होगा पीछे, क्योंकि वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे उनकी सोच होती है बहुत बड़ी, देश के लिए उनकी सोच होती है, राष्ट्रवाद होता है उसके पीछे। हो सकता है कुछ ऐसे काम वो करने वाले हों जिसके लिए 400 के आंकड़े की जरूरत पड़े, तो इसलिए वो आंकड़ा भी हमें पार करना है। और दूसरी बात, एक चीज का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि इस लोकसभा
से, आप लोगों से, पुरुषों से भी कुछ सवाल पूछ लिया जाए इस चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो क्या हो सकता है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो अपने घर वापस आए। उसके 2 महीने बाद वो व्यक्ति जिसने श्री राम का चरित्र निभाया था, उसकी भी घर वापसी हुई। उस नाते आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सिद्ध करना होगा कि आपकी आस्था श्री राम में कितनी है। ये सिर्फ जय जय श्री राम जो है वो नारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भावनात्मक सोच है, ये राम राज्य की सोच है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जिसका नाम अरुण गोविल है।